क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज No! तो गाइस ध्रुव राठी और अभियान न्यू के बीच में कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां रिसेंटली ध्रुव राठी ने उन्हें ट्रोल करा था खुद की वीडियो में, तो वहीं पर अभियान न्यू ने भी उनको आंसर किया था। बट अब वहीं पर वापस से ध्रुव राठी ने एक और वीडियो को टैग करते हुए उनका रिप्लाई दिया है। वो छोटा सा क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है लिकर पॉलिसी स्कैम केस में। वो ईडी के हिरासत में है। न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस अलेजेड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे ईडी या सीबीआई या भाजपा लगाए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो। फिर सेकंडली मैंने अभी और न्यू से न्यूट्रल बनने की दूसरी निंजा टेक्निक सीखी और वो ये कहती है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कैमी स्कीम कोई भी लाया हो, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, पर न्यूट्रल दिखने के लिए इसकी जिम्मेदारी और इसका ब्लेम हर पॉलिटिकल पार्टी पे डालना जरूरी है। यानी अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे। ओए रजत, क्या नाम इसका? और वहीं गाइस कैरी मिनाटी और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी के बाद कल वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे कैरी मिनाटी, और उनके साथ गरीब भी थे। बट गरीब ने रिसेंटली खेलते खेलते रजत दलाल का नाम ले लिया। उसके बाद कैरी मिनाटी का क्या रिएक्शन था मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। अच्छा, लो वॉइस या लो साउंड? मेरी आवाज क्या वाओ। ओए रजत, क्या नाम इसका? रेज, देख ले भाई। नहीं दे रहा, बॉट भी नहीं मिले भाई एक अभी तक। मैंने एक किल गरीब रेज रेज बोल रहा था। मैं बताते हो जोगिंदर नहीं करता। अरना मेरे को एलवी से डर लगता, अरना मेरे को तेल से डर लगता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, आमने सामने बैठ। बात है ना, इज्जत पे आ गई है तो मेरी कान खोल के बात सुन। फरीदाबाद रोकर, जो तूने मेरा पॉडकास्ट किया था ना उसको डिलीट कर दे। अब जो तूने मेरे को वाली बात बोली ना, ये तूने स्टोरी डिलीट किया है, तेरा फोन आ गया होगा। अबे मैं तुम लोगों से डरूंगा क्या? अबे तुम लोग एलविस की चेलागिरी करते हो, वहां पर जाके बैग उठाते हो। जोगिंदर नहीं करता, अरना मेरे को एलविस से डर लगता, अरना मेरे को तेल से डर लगता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, आमने सामने बैठ के पॉडकास्ट कर, फिर मैं तेरे को मानूंगा तू बहुत बड़ा कलाकार है। अबे बड़बड़ाने से आदमी बदमाश नहीं बन जाता, पावर होनी चाहिए जो तुम लोगों के अंदर नहीं है। क्या उठा ले जोगिंदर का? तुम लोगों ने बताओ एलविस को सपोर्ट किया था जिस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत थी। तुम लोग अपनी बताओ ना, तुम लोग कहां थे जिस टाइम एलविस थाने के अंदर गया था, जेल के अंदर बनता? तुम्हारे पूरे ग्रुप की स्टोरी नहीं आई थी, जोगिंदर ने वीडियो बनाकर डाली थी। उसके बाद तुम लोगों ने वीडियो बनानी शुरू की थी सोशल मीडिया के अंदर, जब तक तुम छुपे थे एक बिल के अंदर। और आज तुम एलविस भाई कर रहे हो। अबे एलविस आता जोगिंदर के सामने, समझ गया? आजा, देखो कितनी पावर है तुम्हारे अंदर। पॉडकास्ट दोबारा दूंगा तेरे को, कान खोल के सुन ले। और आमने सामने रोशनी करना, अगर हिम्मत है तो। जोगिंदर से मुलाकात करने के लिए टाइम मांगती है पब्लिक है, फिर भी जोगिंदर नहीं मिलता सस्ते में, समझ गया? तेरे पास आ गया, बहुत बड़ी गलती हो गई ना मेरी। तू मिल मेरे को एक बार, तेरे को मैं पॉडकास्ट में बता दूं, तेरा पॉडकास्ट